कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा, इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा, अवाम की ताकत से आएगा, दो तिहाई से आएगा, बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, बर्दाश्त करें। मानी पीटीआई को मजमुई तौर पर 24 साल कैद की सजा सुनाई गई है। पीटीआई चेयरमैन को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है। मैदान करबला में आरजी शिकस्त जरूर हुई थी हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को, लेकिन दुनिया उनको याद रखती है। कौन हुकूमत में आएगा पाकिस्तान फैसला सुनाएगा। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। और जिनको आप अल्लाह के सिवा पुकारा करते हैं उनसे कनारा करता हूँ और अपने परवरदिगार ही को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने परवरदिगार को पुकार कर महरूम नहीं रहूंगा। अच्छा, इमरान खान को उसी को डाला, पाकिस्तान को डाला। ये वोट मैंने दिया है चेंज हो। वोट कास्ट कर लिया आपने जी, किसको देकर आ रहे हैं? दिया कना वो दिया कनस्ता इनके। पीटीआई खान की अमानत थी, खान को लौटा। अल्लाह पीटीआई को दिया है, पीटीआई को दिया। इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगा इंशाल्लाह। हमारा वोट देना पाकिस्तान के लिए, ये नए जो है ना इंशाल्लाह सफर का आगाज होगा। किसको दे के आ रहे हैं आप? पीटीआई खान की अमानत थी, खान को लौटा दी है जी। माय बिलीफ इज ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट वन, एंड वी विल फाइट। हालांकि इस बार पीटीआई सीधे तौर पर चुनाव में नहीं थी, लेकिन उसके समर्थित उम्मीदवारों को बंपर जीत हासिल हुई है। इमरान खान बेचारे जेल से ही बैटिंग कर रहे हैं, बट क्या बैटिंग की उन्होंने, मतलब इतनी टफ कंडीशंस में भी ऐसी बैटिंग की उन्होंने कि एक तरफा मैच कर दिया। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आप माने या ना माने, इस वक्त जो फिलहाल इस वक्त जियो की स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है उसके मुताबिक जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, माने या ना माने। सो फार द इंडिपेंडेंट कंटेस्टेंट्स लिंक्ड टू इमरान खान पीटीआई सिट कंफर्टेबली एट 102 सीट विक्ट्री। सूरत हाल ये है कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान में लीड कर रही है। तमाम तर धांधली, तमाम तर जो है हथकंडे, तमाम तर सख्ती और जबर के बावजूद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान में लीड कर रही है, और लोगों ने इमरान खान को इतने वोट डाले हैं कि निज़ाम उनकी गिनती करने से कासिर हो गया है और ताकीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है।